नमस्कार, लीना जीजी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं खीचू रोल बनाने जा रही हूँ। खीचू जो कि चावल के आटे से बनता है और गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है। इसी से चावल के पापड़ भी बनाए जाते हैं और उसी खीचू से मैं रोल बनाने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि खाना पहले आँखों से, फिर नाक से और लास्ट में मुँह से खाया जाता है। तो ये रोल दिखने में काफ़ी अच्छे है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है और स्वाद तो आप बनाकर खाएंगे तभी पता चलेगा। तो अब शुरू करें इसे बनाना। इसके लिए पहले चावल के आटे से डो तैयार करेंगे, यानी खीचू तैयार करेंगे। 1 कप चावल का आटा लिया है तो मैं 2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी ले रही हूँ। पानी की मात्रा चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। यदि चावल का आटा पुराना है या वो पुराने चावल से बनाया हुआ है तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पुराने चावल पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ मैं रिस्क नहीं लूँगी, ज़रूरत पड़ी तो बाद में पानी गर्म करके ऐड कर लेंगे। अब इसको ढककर एक उबाल आने देंगे। पानी उबल गया है, गैस को मैंने कम कर दिया है। अब इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक और चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। हींग से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन कई लोग हींग पसंद नहीं करते हैं, तो जिन्हें पसंद नहीं वो स्किप कर सकते हैं। ये पापड़ खार है, मैं बहुत ही थोड़ा सा डाल रही हूँ। पापड़ खार जब हमें पापड़ बनाने होते हैं तब ज़रूरी होता है। यहाँ मैं जो रोल बना रही हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह सोडा बाइकार्ब डाल सकते हैं जिससे रोल सॉफ्ट बनेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च, मोटी कुटी हुई काली मिर्च और भुना जीरा भी मोटा कुटा हुआ। 1 बड़ा करी पत्ता लिया है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उसको बारीक काट लिया है। बारीक कटा हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च और काली मिर्च दोनों ही इसमें डाली है। अब फिर से ढक्कन लगाकर एक उबाल आने देंगे। पानी में फिर से उबाल आ गया है, सारे मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये जो आटा लिया है उसको एक साथ डालना है, पर उसके पहले गैस बंद कर देना है, क्योंकि आटा पानी में पड़ते ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और अगर गैस चालू हुई तो आटा तले में चिपक कर जल सकता है। आटा डालते ही उसे फुर्ती से मिक्स करना होगा। इसके लिए आपके पास लकड़ी की चम्मच है तो आप उसके हैंडल से मिक्स कर सकते हैं या आप बेलन ले सकते हैं। बेलन या लकड़ी की चम्मच का हैंडल गोल होने से आटा उसके ऊपर चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। वहीं अगर चम्मच से चलाते हैं तो काफ़ी सारा आटा चम्मच में चिपक कर रह जाता है और मिक्स नहीं हो पाता है। देखा आपने ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और क्लीन भी बड़ी आसानी से हो गया है, ज़रा भी आटा इसके ऊपर चिपका हुआ नहीं है। आटा अभी गर्म है, अब इसके नीचे तवा रखकर 1 से 1.5 मिनट तक गैस को ऑन रखेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और आटे को इसी तरह से ठंडा होने देंगे। ये हमारा खीचू तैयार हो गया है। आप चाहे तो लाल मिर्च का तड़का तैयार करके इसके ऊपर डालकर इसी तरह से खा सकते हैं। इसी को गुजराती में पापड़ी नो लोड भी बोलते हैं। अब इसमें बारीक कटे आलू डाल देंगे। इनको आप जितना हो सके बारीक काटें जिससे रोल बनाते वक्त ये बाहर निकल कर नहीं गिरेंगे। हरी मटर भी मैं डाल रही हूँ, ये फ्रोजन है और काफ़ी सॉफ्ट है। यदि हार्ड हो तो आप इसको बॉईल करके डाल सकते हैं या थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो गाजर, पालक, फूलगोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। वैसे कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे इसका कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा है और थोड़ा सा ये तीखा भी कम है, तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें और डाल रही हूँ। इसमें कोई भी मसाले आपको कम लगे तो इस वक्त आप डाल सकते हैं। हथेलियों को तेल से चिकना करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सब कुछ मिक्स होने के बाद ये डो तैयार हो गया है। इसको 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो गया है। हाथों में थोड़ा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे रोल बना लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई और शेप भी इसे दे सकते हैं। ये सारे रोल्स तैयार हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यदि आप देर से फ्राई करना चाहें तो या तो इसे गीले कपड़े से कवर करके या फिर डिब्बे में रखकर ढक्कन लगा के फ्रिज में रखें। खुले रखने पर हवा लगने से इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। वैसे तो चावल का आटा अपने आप में ही बाइंडिंग एजेंट है, लेकिन ये रोल्स फ्राई करते वक्त टूटने लगते हैं। या तो आप तेज़ आंच पर इन्हें थोड़े थोड़े डालकर बहुत ही केयरफुली फ्राई करें, या इन पर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर छिड़क कर रखें और उसके बाद बिंदास फ्राई करें। मैं दोनों ही तरह से फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने रोल्स को काफ़ी तेज़ गरम तेल में डाले हैं। कैमरा ऑफ हो जाने की वजह से मैं तेल में रोल्स को डालते हुए नहीं दिखा पाई। तेज़ आंच में फ्राई करने के बावजूद भी मैं एक बात नोट कर रही हूँ कि इसमें इस तरह के लच्छे निकल रहे हैं, तो आप इन्हें कॉर्नफ्लोर में रोल करके ही फ्राई करें। इसके अंदर मैंने कच्चे आलू डाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा देर तक इन्हें फ्राई करना है ताकि आलू पक जाए और ये ऊपर से भी क्रिस्प हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लोर छिड़क दिया है। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। इनके बिखरने का बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। फिर भी एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इन्हें तेल में डालें, थोड़े थोड़े डालें और उस वक्त तेल अच्छा गर्म हो और आंच तेज हो। सारे रोल्स फ्राई हो गए हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सारे रोल्स के ऊपर एक एक करके मैं टूथपिक लगा रही हूँ और इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने हरी चटनी बनाई है। यह हमारी प्लेट तैयार है। तो है ना आँखों को सुंदर लगने वाली खूबसूरत सी डिश। फिर देर किस बात की, इसे बनाइए, रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए लीना जीजी किचन। धन्यवाद।